क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने ना केवल मृत पेड़ पौधों को जीवित किया परंतु यहाँ तक कि उन्होंने पत्थरों को भी घड़ी किया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 27 मार्च को संपूर्ण कलिसिया मिस्र के संत योहन का पर्व मनाती है। उन्होंने 25 वर्ष तक अपने पिता के साथ बड़े का कार्य किया और उसके बाद प्रभु ने उनको बुलाया। प्रभु के द्वारा सुनी गई बुलाहट को उन्होंने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया एवं अपना जीवन उन्होंने वैराग्य रूप से जीने का निर्णय किया। उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनके गुरु ने उनसे कहा कि वे जाकर पत्थरों को घड़ी करें और उनसे यह भी कहा कि मृत पेड़ पौधों की वह सिंचाई करें। वे प्रभु से प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे बड़े बड़े पत्थरों को घड़ी कर देते थे एवं मृत पेड़ पौधों को नया जीवन प्रदान करते थे। 16 वर्षों के गहन परिश्रम एवं तपस्या के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे पर्वत के शिखर पर जाकर प्रभु के बारे में मनन चिंतन करेंगे और वे वहां जाकर प्रभु के बारे में उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। संत अगस्तीन के अनुसार संत योहन को कई बार एक महिला ने दिव्य दर्शन दिए लेकिन शैतान हर बार उन्हें देखने नहीं देता था कि वह महिला कौन है। माता मरियम ने उन्हें हर बार आकर दर्शन दिए और अंत में उन्होंने उन दर्शनों का लाभ लिया एवं अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को तथा कलिसिया की सेवा में समर्पित किया। वे पर्वत पर एक कुटीर में रहते थे। कई वर्षों की गहन तपस्या एवं साधना के बाद वे लोगों को चंगाई देने लगे तथा उनके बारे में भविष्यवाणियां करने लगे। वे सप्ताह में केवल अपने कुटीर की एक खिड़की खोलकर लोगों को आशीष एवं चंगाई प्रदान करते थे। लोग उनके पास तेल लेकर आते थे ताकि वे उस तेल को आशीष दे और वे घर जाकर उस तेल से मरीजों की मालिश करें और वह स्वास्थ्य प्राप्त करें। उनकी मृत्यु के 3 दिन पहले वे कुटीर में घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे। उन 3 दिनों तक वे विशेष रूप से उपवास प्रार्थना करते रहे। 3 दिन बाद जब उनकी कुटीर का दरवाज़ा खोला गया तब उन्हें घुटनों के बल देखा गया और उनके हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए थे। इससे यही पता चलता है कि उनका शरीर तो वहीं पर था लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर के पास थी। उनकी मृत्यु 394 में हुई थी। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम मिस्र के संत योहन के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी भक्तिमय हो, प्रार्थनामय हो एवं लोगों की एवं जन कल्याण के हित के लिए हो।